यूपी के रामपुर में किसानों के साथ जिला वन अधिकारी का उत्पीड़न लगातार जारी है। किसानों के मकानों व खेतों पर जाने को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें जिला वन अधिकारी ए के कश्यप ने किसानों और ग्रामीणों का पीपली वन में प्रवेश करने को लेकर सख्त मना किया है और कार्यवाही करने की बात कही है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रामपुर जिला अधिकारी को पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। किसानों ने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन कर मीडिया को बताया कि वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से ही पीपली वन जंगल में रह रहे हैं, तब से आज तक कोई रोक टोक नहीं हुई है, पर अब ये हिटलर DFO हमें खेतों पर जाने से रोकते हैं और हमारे मकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने DM साहब से की है। आपने घटना पड़ी होगी पीपली वन की, इनका मकान है पुराना, दीवार पर टूट गई, दरवाजा लगा रहे थे, DFO पहुंच गए, उसकी चौखट इन्होंने उखाड़ के फेंक दी, इन औरतों पर हमला किया उन्होंने, बदतमीजी की, मारपीट की और फिर मंदिर पहुंच गए, जबकि कई सौ साल पुराना मंदिर है पीपली वन में, हर शनिवार को वहाँ भंडारा होता है, हज़ारों लोगों की आस्था की जगह है, वहाँ मज़ार भी है, वहाँ लोग मोटरसाइकिल से, साइकिल से, अपने अपने वाहन से जाते हैं। DFO साहब का कहना ये है कि मैं किसी की साइकिल नहीं जाने दूंगा, साइकिल पकड़ के आग लगा दूंगा, पंचर कर दूंगा और सबको जेल भेज दूंगा जो मुझे मिला। अरे भाई, ये DFO है, वो हिटलर का की कोई औलाद आ गई पैदा होके, एक जमाने सैकड़ों साल से ही लोग रह रहे हैं वहाँ पे, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा हुआ तब से ही लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, सरकार ने बसाए हुए हैं, तो ये कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? तो इन्हें नौकरी करनी चाहिए, ना कि गुंडई, और गुंडई हम होने नहीं देंगे। अगर गुंडई की बात अगर आएगी तो किसान यूनियन के सामने तो पुंगी बन जाए। साहब ने कार्रवाई के लिए लिखा है, जांच के लिए लिखा है, और अगर लगता है हमें एक दो दिन में कोई और बात लगे, DM साहब पर पूरा भरोसा है, अगर DFO सुधार करते हैं और इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, वरना उन्हें हम नहीं घुसने देंगे पीपली के वन में। ठीक।